Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. After a long time, काफ़ी समय बाद, मतलब I think almost 3 months हो चुके होंगे और मैं आज vlogging कर रही हूँ और एकदम सुनसान सी सड़क है क्योंकि काफ़ी सुबह का समय है, 5:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ वॉक पे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि ये ज़िंदगी है, कोई बात नहीं है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो इसी वजह से मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग नहीं करी थी। बट अब मैं हर चीज़ से फ्री हूँ, काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं क्योंकि ये ज़िंदगी है, यहाँ उतार चढ़ाव लगे रहते हैं और परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, आती जाती रहती हैं। परेशानियाँ होंगी नहीं तो हमें खुशियों का एहसास कैसे होगा। तो कोई नहीं, ऊपर वाले ने सब कुछ अच्छा भी कर दिया है, तो अब मैं व्लॉगिंग आज कर रही हूँ, खुशी खुशी कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो हम जा रहे हैं वॉक पे और सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और काफ़ी हैप्पी मूड भी है। सो स्टे ट्यून्ड, आज है संडे और संडे के दिन हम क्या क्या करेंगे मैं पूरा फुल व्लॉग दूंगी क्योंकि काफ़ी सारे हंसी मजाक हो चुके हैं और आप लोगों ने मेरा 4K पहुंचा दिया है यूट्यूब पे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और काफ़ी जल्दी मैंने 4K गेन किया क्योंकि जब सितंबर या अक्टूबर तक की मेरा 1K भी पूरा नहीं हो पा रहा था और मैं काफ़ी परेशान थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेरे कॉमेडी वीडियोस को आप लोगों ने बहुत लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो स्टे ट्यून्ड। और फिर वॉक से आने के बाद हमने शुरू किया दोपहर में खेलना फैमिली क्रिकेट, क्योंकि हमारे पास यही एक ऑप्शन था क्योंकि बाहर जाने का मन नहीं था और बच्चे हो रहे थे बोर क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है क्योंकि फिर वो या तो टीवी या मोबाइल में लग जाते हैं। तो फिर हमें एक ट्रिक सूझी कि चलो हम फैमिली क्रिकेट खेलते हैं, जैसे बच्चे भी इंटरटेन होंगे और टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। तड़ाकेदार हेलीकॉप्टर शॉट, राहिल पूरा अपना एफर्ट डालते हुए और न हार न मानने वाले उनके अब्बा डेड बॉल है भाई, मेरे डेड बॉल है। जैसे हमने अब्बा को आउट किया था ये अरे हम कुछ नहीं कर पाएंगे ये कैसा रन था? अरे रन ऐसे होते हैं बब्बा। और फिर ना होते होते ना प्लान बन ही गया कहीं बाहर जाने का, तो फिर हम लोगों को अमीनाबाद जाना था, कुछ पर्सनल काम थे, तो हमने सोचा कि चलो आज फ्री भी हैं और निकल चलते हैं। तो ये है हमारा लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट, जो कि यहाँ मैं कभी नहीं आई हूँ यहाँ पे रहते हुए भी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। और उस दिन था शायद वैलेंटाइंस डे, तो इतनी भीड़ थी ना, इतना रश था कि जैसे लग रहा था कि सारा का सारा लखनऊ का लड़का लड़की रोड पे ही आ गया हो और बहुत भीड़ है। तो कुछ नहीं है, अभी आपको बाद में देखने को मिलेगा कि कितनी भीड़ है। कुल्फी होती है।
फिर हम आ गए, मतलब अमीनाबाद में ही है ये प्रकाश की कुल्फ़ी, प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी, जो कि ये भी लखनऊ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कुल्फ़ी है, इसको आइसक्रीम नहीं बोल सकते। और फिर हम लोग एक दूसरी प्लेस जो कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द फेमस प्लेस है, टुंडे कबाब, वहाँ पर आ गए। मतलब इसकी तो बात करना ऐसा होगा कि जिस किसको नहीं पता है, तो हम वहीं पर आए क्योंकि ये भी अमीनाबाद में ही है। और फिर वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, फिर हम लोग वापस होने लगे घर के लिए, और काफ़ी शाम हो चुकी थी और ट्रैफिक की वजह से हम लोगों को रात हो गई। रात इतना ट्रैफिक था। और ट्रैफिक की वजह से मेरे चेहरे पर बजे हुए हैं 12, जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि घर पहुंचने के लिए बहुत ही लेट हो रहा था। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कर रही हूँ, एंड सो बाय बाय, टेक केयर।